सच साहस सरोकार। दो समुदाय में जमकर हुआ विवाद, खूब चले लाठी डंडे, 5 लोग घायल। कोरोना महामारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, सीएमओ ने स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों के साथ की बैठक। हाईटेंशन तार की चपेट में आए किसान, एक किसान की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। यीशु के जन्म पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन, स्कूली छात्राओं ने कई कार्यक्रम किए प्रस्तुत। बैंकेट हॉल में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। खबर रामपुर से है, जहां समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां, पत्नी तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई की गई। सपा नेता के वकील ने बताया कि बीजेपी नेता आकाश सक्सेना केस दर्ज कराया था, कोर्ट में सुनवाई की जा रही है, जल्द ही मामले में जज फैसला सुना सकते हैं। सुनवाई समाप्त होने के बाद सपा नेता आजम खां और उनका परिवार मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। आदेश के आधा माने न्यायालय ने, उसको आदेश के अनुपालन में आज तीनों मुलजिम अदालत में उपस्थित थे, अब्दुल्ला आजम खां और तंजीम फातिमा। और अभी कोर्ट में जिरह चल रही है, गवाहों से आजम खां के वकील जिरह कर रहे हैं। और अभी क्योंकि लंच हो गया है शुक्र धाज, अब लंच के बाद दोबारा से पेश होगी। कोर्ट ने कल उन पर 10,000 का जुर्माना लगाया है, तो आज इस मामले में जिस तरह आजम खां कोर्ट में पेश होकर चले गए हैं, तो उसमें क्या? नहीं, वो आजम खां ने कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरी पत्नी भी आई है, तो उनके वकील ने कहा कि साइन करा लीजिए फाइल पे, मतलब की प्रेजेंस नोट कर ली गई। खबर आगरा से है, जहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने कोरोना महामारी की संभावना के मद्देनजर एसएन मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल के अधिकारियों के साथ बैठक की। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर आने वाले विदेशी पर्यटकों की सैंपलिंग जांच कराने के निर्देश जारी किए गए। सीएमओ ने निजी अस्पताल को कोरोना केस मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को सूचित करने की जानकारी दी। प्राइम टीवी के संवाददाता के साथ सीएमओ डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने खास बातचीत की। समूचे भारत में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट को लेकर देश में खतरा मंडरा रहा है। इसी को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने अलर्ट जारी कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आगरा सीएमओ डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव। आइए इनसे बात करते हैं, आगरा में किस तरीके से सतर्कता रहेगी और क्या गाइडलाइन है? भारत सरकार द्वारा दिए गए अलर्ट और अभी प्रदेश स्तर पर भी हमें निर्देश प्राप्त हो रहे हैं, उसके आधार पर चूंकि यहाँ विदेशक पर्यटकों की आवाजाही ज़्यादा रहती है, इसको देखते हुए और साथ में चूंकि अवकाश का समय है, पर्यटक भी ज़्यादा हैं, हम लोग जहाँ पे एंट्री पॉइंट से खासतौर से ताजमहल और फतेहपुर सीकरी पे अपनी स्क्रीनिंग का कार्य बढ़ा रहे हैं और साथ में टेस्टिंग का भी कार्य देख रहे हैं, जो भी सिम्टोमेटिक है उनका हम टेस्ट कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो रेलवे स्टेशन है, हवाई अड्डे हैं या बस स्टेशन है, यहाँ पर भी टीमों की संख्या बढ़ाई गई है, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कर पाएँ। हमारी PSC CSC में टेस्ट की उपलब्धता है, साथ में जितने भी हमारे चिकित्सालय खासतौर से सरकारी क्षेत्र में, इसमें हम लोग ने कल बैठक करके अपनी जो भी बेड और लॉजिस्टिक और बाकी चीज़ों की उपलब्धता सुनिश्चित किया है, और साथ में जो भी उपकरण हैं, चाहे वो वेंटिलेटर हो, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो, जनरेटर हो, उनकी क्रियाशीलता को शत प्रतिशत सुनिश्चित करने के लिए हम लोग पूरी तरह हम लोग लग गए हैं और ये क्रियाशील हैं। एक आग में थोड़ी बहुत जो दिक्कत है उसको हम लोग पूरी कर रहे हैं और साथ में प्रचार प्रसार के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोग थोड़ा भीड़ भाड़े इलाके में जाने से बचें और एहतियात रखें, साथ में मास्क का प्रयोग करें। सर, देखा जा रहा है कि भारत के अंदर कुछ जो कोरोना वायरस के नए केस हैं वो निकल कर आए हैं, तो आगरा में किस तरीके की स्थिति है? क्या एक आध ऐसा केस है जो आगरा में निकला हो? ऐसा 25 नवंबर के बाद हमारे यहाँ कोई केस नहीं है, परंतु जिस तरह के केसेस अभी भी नए आए हैं,
वो उनकी संभावना संक्रमण की कम लगती है, चूँकि वैक्सीनेशन का स्तर बाकी देशों से अपने स्तर में बहुत अच्छा है, परंतु चूँकि वेरिएंट का अभी हम लोग कह नहीं सकते संक्रमण की स्थिति क्या होगी, एहतियात बरतना ज़्यादा जरूरी है। वर्तमान स्थिति में संक्रमण शून्य है, यहाँ पे कोई संक्रमण नहीं है। लगातार नज़दीक त्यौहार नज़दीक हैं और हैप्पी न्यू ईयर का भी त्यौहार है, होटलों में और स्मारकों पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं क्योंकि आगरा एक पर्यटक नगरी कहा जाता है, तो किस तरीके से व्यवस्थाएं की जाएंगी उनकी? देखिए अभी तो मात्र सिर्फ एहतियात के तौर पर वो लोग मास्क का ज़्यादा ज़्यादा प्रयोग करने का हम लोग प्रयास करेंगे, ज़्यादा लोग मास्क का प्रयोग करें, और परंतु चूँकि बाहर से जो पर्यटक आ रहे हैं और उनकी भी सूचना तंत्र को हम लोग मजबूत करेंगे, चाहे वो होटल हों या निजी आवास में रुके हों, हम लोग अपने जो कंट्रोल कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर है इसको हम लोग पूरी तरह फंक्शनल कर दिया है, और जिससे कि कहीं कोई सूचना अगर इस तरह की हमें प्राप्त होती है, हम तत्काल अपनी रैपिड रिस्पॉन्स टीम के माध्यम से उनको उनका हम टेस्ट और बाकी फॉलोअप कर पाएँ। तो प्रयास यही रहेगा कि किसी के कार्यक्रम में व्यवधान ना बढ़े और परंतु सुरक्षा और सावधानी बनी रहे। देखा आपने, ये थे हमारे साथ CMO डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव, जो उनका साफ तौर से कहना है, हमारे माध्यम से भी उन्होंने अपील की है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग ज़रूर करें। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, प्राइम TV आगरा। खबर लखनऊ से है, जहां कृष्णा नगर थाना प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह ने फुटपाथ और कुष्ठ आश्रम में रहने वाले जरूरतमंदों को ठंड से राहत दिलाने के लिए कंबल वितरित किए। उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल सामाजिक कार्यकर्ताओं को कंबल वितरित करने के लिए प्रेरित करेंगे ताकि ठंड से हर जरूरतमंद को निजात दिलाया जा सके। इस दौरान अतिरिक्त प्रभारी सुनील आजाद, SSI नईम खान, फिनिक्स चौकी इंचार्ज समेत अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। खबर देवरिया से है, जहां उमानगर वार्ड 14 सभासद प्रत्याशी अर्जुन शर्मा ने स्थानीय जनता के साथ जनसंपर्क कर वार्ड के विकास का आश्वासन दिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत कर कहा कि जनता का समर्थन प्राप्त होने पर वार्ड के विकास के साथ ही सड़क निर्माण और जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की जानकारी दी। हमारे वार्ड में कोई विकास नहीं हो पा रही है, मैं चाहता हूं मेरे जनता लोग मुझे एक बार प्रस्ताव किए कि हमारे वार्ड में जो है अर्जुन जी, आपको मैं व्यक्तिगत अपने व्यवहार से आपकी मैं अपने वार्ड में एक सदस्य बनाना चाहता हूं, और मैं इस चीज़ों में आपका समर्थन करूंगा कि हमारे वार्ड में जो भी विकास नहीं है आप पूरी कर सकते हैं और मैं आपसे करा सकता हूं। चुनाव आप लड़ रहे हैं, जनता लड़ रही है? नहीं, जनता हमारी समर्थन में है। खबर फरीदाबाद से, जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी के भीतर आपसी गुटबाजी साफ तौर देखने को मिल रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा वर्सेज प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला के पोस्टर वार के जरिए आपस में गुटबाजी करते हुए मिले। अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी डायल 108 को दी। सूचना पर पहुंची डायल 108 ने घायल बाइक सवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया। हादसे में घायल युवक की पहचान पूरे शेखन निवासी दिनेश कुमार के रूप में की गई। युवक के घायल होने की सूचना मिलने पर परिजनों में कोहराम मच गया। खबर कानपुर से है, जहां हैंडलूम हवेली के नीचे एक 72 वर्षीय बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय निवासियों की सूचना पर पहुंची कर्नलगंज पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घटनास्थल पर जांच पड़ताल की। ACP अकलम खान ने मृतक की पहचान पवन जी नानावती के रूप में की। उन्होंने मृतक के परिजनों से बातचीत कर बताया कि बुजुर्ग काफी समय से डिप्रेशन में चल रहे थे। ACP ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घटना की सघन जाँच पड़ताल करने के निर्देश जारी किए। देखिए, आज सुबह में लगभग 9 बजे के आसपास थाना कर्नलगंज क्षेत्र में हैंडलूम हवेली के पास एक वृद्ध व्यक्ति, इनका शव मिला था। इस संबंध में जो
उनके परिजनों को बुलाया गया और बातचीत की गई, तो पता चला कि इनकी उम्र 72 वर्ष है और ये पवन जी नानावती इनका नाम है और काफ़ी समय से डिप्रेशन में चल रहे थे ऐसा परिजनों द्वारा बताया गया है। परंतु पुलिस द्वारा जो है मौके पर जो है बॉडी को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जो भी चीज़ें हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जाँच उपरांत जो भी चीज़ें आएंगी उसके अकॉर्डिंग जो हम लोग कार्रवाई करेंगे। खबर कानपुर से है जहां चोरों ने कमिश्नरेट पुलिस को एक बार फिर से एक बड़ी चुनौती दी और सचिंडी थाने को आउटर से हटाकर कमिश्नरेट में शामिल करते ही चोरों ने कानपुर के हाईटेक पुलिस को एक बार फिर से सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में चोरों ने बड़े ही शातिराना तरीके से देर रात बैंक की दीवार में सुरंग बनाकर बैंक के अंदर दाखिल हुए और बैंक में रखे गोल्ड पर हाथ साफ कर दिए। सुबह जब बैंक कर्मियों ने बैंक के अंदर का हाल देखा तो नजारा देख सभी के होश उड़ गए। आनंद फानंद में घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मामले की गंभीरता से लेते हुए पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड समेत फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड समेत तमाम आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। एसबीआई की भौती ब्रांच में प्रातः थाने पे इन्होंने सूचना दी कि इनके स्ट्रॉन्ग रूम में जहाँ पर कैश चेस्ट है और उसके बगल में गोल्ड चेस्ट है, तो बैंक के पिछवाड़े से स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर से ही एक इनकी अपनी बाउंड्री वॉल बनी हुई है, उसमें झाड़ी झंकार है, उसके अंदर से सुरंग लगा के इनके स्ट्रॉन्ग रूम में चोरों ने एंट्री करके गोल्ड का जो चेस्ट था उसका जो दरवाज़ा है उसको किसी रॉड से खोला है तथा संपूर्ण गोल्ड उसमें से चोरी कर लिया गया है। घटनास्थल का सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है। गोल्ड कितना था ये लोन का जो गोल्ड के अगेंस्ट लोन दिया जाता है उसमें जो जमा गोल्ड है वो होना बताया है बैंक ने। अलीगढ़ में घर का दरवाजा निकालने को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। इस दौरान महिला और पुरुष समेत 5 घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंचे इलाका पुलिस के द्वारा घायलों को स्थानीय सीएससी में भर्ती कराकर पूरे मामले में कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है। दरअसल पूरा मामला कोतवाली इगलास के गाँव से सिरकुरा का है। 6 लोग आए कावे थे और कट्टा लेके आए हुए थोड़ा जो भद्रवारी को कावे थे वो जावे दो और तुंजा और सारू और क्या कहते हैं वो आमे दो और छोटे और नाम लगभग कितने लोग घायल हैं? 5 लोग घायल हैं। कुछ सूचना दी है पुलिस को? 5 पुलिस को सूचना दी है? अभी जी वो दगड़े गए आगे रास्ता पे भाई से सामने पर जिन्हें रात को प्लान बनाया है, प्लान बनाया कि भदनवारी का कट्टा लेके आया है सारू और जावेद और जो और जो मोमदली के भाई भाई है कहा जिन्हें रात को प्लान बना के उससे मेरे भाई जट छत पर चढ़ गए। हम नीचे कोई ना हो तो मेरी दो बहू थी भाई सुकून भाई ईंट बजा दी है जिन्हें मैं गांव में भाजा डोला हूँ। गांव वाले आए ही जब उनने बीच में चार घर आए। कितने लोग घायल हैं? 4। खबर मेरठ से है जहां एसएसपी रोहित सिंह सजवार ने सीओ ऑफिस में 8 और किठोर थाने में तैनात 2 पुलिस कर्मियों पर कार्य में लापरवाही दिखाने एक ही थाने में लंबे समय से तैनाती को लेकर लाइन हाजिर किया। एसएसपी ने बताया कि काफी लंबे समय से पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्य में लापरवाही की शिकायत आ रही थी जिस पर कार्यवाही करते हुए सभी पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया गया। सख्त निर्देश भी दिए गए और भविष्य में सक्रियता से काम करने की सलाह दी गई। खबर गाजीपुर से है जहां बदमाशों ने कुर्था गांव निवासी बीएसएफ जवान के पत्नी का पिस्टल विरोध चोरी का विरोध करने के पर निर्मम हत्या कर दी। पुलिस अधिकारियों ने कार्यवाही करते हुए हत्या में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। हत्या में शामिल मुख्य बदमाश को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से चोरी के पिस्टल और हत्या में शामिल लोहे की रॉड बरामद की। पुलिस अधिकारी ने सभी हत्यारों पर विधिक कार्यवाही अमल में लाने की जानकारी भी दी।
खबर अलीगढ़ से है, जहां खेत पर पानी लगा रहे किसान हाई टेंशन की टूटे तार की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय ग्रामीणों की मदद से पास के ही स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की टीम ने उपचार के दौरान एक किसान की मौत के होने की पुष्टि की। मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि हाई टेंशन तार टूटने की जानकारी पर भी अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की। मृतक के परिजनों ने थाने में विद्युत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जिले का टूट हुआ तो हमें पता नहीं थी, आलू में पानी लगाने जा रहे थे, वो खेत पर तार घिस रहे तो उनके ऊपर गिर गया, हमने तार पकड़ लिए सारा। अच्छा, कितने लोग रहे? हम तीन लोग थे। तो उसमें क्या तीनों लोग घायल हैं? नहीं, दो दो घायल हैं और एक एक सही है। एक सही है? किसी की मौत भी हुई है बताया गया? नहीं, वो मेरे को बताया भी कहा था किसी ने, भारतीय जो मेरे बाबा लगते रिश्ते हैं वो खत्म हुए। खबर फरुखाबाद से है, जहां बिल्डिंग मटेरियल व्यापारी अवधेश शाक्य के घर से चोरों ने 32 लाख रुपए चोरी कर फरार हो गए। चोरी की घटना पर व्यापारियों ने पुलिस को सूचना दी। सातनपुर मंडी आईटीआई चौराहा पर जमकर प्रदर्शन किया। घटना की जानकारी पर पहुंचे शहर कोतवाल विनोद कुमार शुक्ला पुलिस फोर्स के साथ पहुंचकर व्यापारी को समझा बुझा कर प्रदर्शन शांत करवाया और फील्ड यूनिट पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र कर दोषियों के जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया। घटना हो गई आप पर? हमारे घर चोरी हुई। क्या क्या सामान चला गया आपके साथ? सब रुपया चलो। अंदाज से कितना? 32 लाख रुपया धरो बिटिया के शादी के ला। अच्छा, नगद शादी कब थी बिटिया? बिटिया लगा रुपए कन जा रहे थे। तो जेवर जेवर वगैरह भी गया? जेवर नहीं, गो रुपया। खबर हमीरपुर से है, जहां डांडा गांव निवासी एक युवक ने पारिवारिक कलह से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या की। सुबह युवक का शव बबूल के पेड़ से लटकता मिलने पर ग्रामीणों ने घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दी और पुलिस को भी सूचना दी। मृतक के परिजनों ने बताया कि युवक शराब का लती था, कल ही अपने पिता का 13वीं की। पुलिस अधिकारियों ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटना के सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। क्या है ये आपका, कौन है जिसने फांसी लगाई है? मेरा भाई है। क्या मामला है? मामला कुछ नहीं सर, दारू पीता था। दारू पीता था? कल कौन सा कार्यक्रम था घर पे? तिराही। किसकी थी? पिताश्री। अच्छा, किसी पे शक है क्या आपको? किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ घर पे? नहीं। कुछ नहीं हुआ नहीं। था लगाने का कारण पता नहीं है? नहीं। खबर गाजियाबाद से है, जहां साहिबाबाद के सेलिब्रेशन नंबर 2 बैंकेट हॉल में अज्ञात परिस्थितियों में भीषण आग लग गई। अचानक लगी आग लाखों का सामान जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। सूचना प्राप्त हुई थी सेलिब्रेशन 2 में बैंकेट हॉल में आग लगी हुई है। तत्काल रूप से हमारी 6 फायर टेंडर्स मौके पर पहुंचे और आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है, कोई जनहानि नहीं है। सर, लगभग आग कितनी भयंकर थी और लगभग कितने माल का नुकसान बताया जा रहा है मालिक द्वारा? माल का नुकसान आकलन के बाद बताया जाएगा और आग बड़ी आग थी, इसमें काफ़ी सामान जला है और सबसे बड़ी बात है कि कोई जनहानि नहीं है। खबर रायबरेली से है, जहां पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने पुलिस लाइन में होने वाली परेड का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने परेड की सलामी लेने के साथ ही पुलिस कर्मियों से दौड़ कराकर फिटनेस की जांच की। परेड में शामिल अधिकतर पुलिस कर्मी दौड़ में पास हो गए। आपदा से निपटने के लिए पुलिस कर्मियों को टोलीवार ड्रिल भी कराई गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस कर्मियों के सेहत के मद्देनजर परेड का आयोजन किया जाता है। शासन से जारी निर्देशों के आधार पर सप्ताह के 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को परेड की जाती है, जिसमें प्रत्येक पुलिस कर्मी की उपस्थिति अनिवार्य है। खबर कासगंज से है, जहां कस्बा गंज ढूंढवारा निवासी युवा पत्रकार के निधन पर कस्बे में स्थित बाग पंचायती में शोक सभा हुई, जिसमें पत्रकारों ने अपने दिवंगत साथी को श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक संवेदना व्यक्त की। बता दें, इस दौरान पत्रकार शिवशंकर गुप्ता और अंशुमन सक्सेना ने के साथ कई पत्रकार मौजूद थे। खबर
बांदा से है, जहां यीशु के जन्म की याद में प्रधानाचार्य फादर विंसेंट अल्बर्ट की अध्यक्षता में भगवान यीशु के सम्मान में समर्पित शब्दों विशेष प्रार्थना नृत्य गीत से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। विद्यालय के छात्रों ने चन्नी में बालक यीशु और देखो तारन नामक नाटिका की प्रस्तुति, सुंदर परिधान, दृश्य और संगीतमय ध्वनि के साथ नाचते गाते हुए दिखे। साथ ही क्रिसमस पर्व और नववर्ष की शुभकामनाओं के गीत भी प्रस्तुत किए। प्रधानाचार्य ने अध्यापकों और बच्चों को धन्यवाद कर बताया कि गौशाला में जन्मे यीशु शांति का प्रतीक है। ईसाई धर्म की शुरुआत ही सादगी सरलता से हुई। गरीब ईमानदार गडकरियों ने सबसे पहले महान प्रभु बालक यीशु का दर्शन किया। खबर राय बरेली से है, जहां पुरौली गांव में विशालकाय अजगर निकलने से गांव में हड़कंप मच गया। चारों अजगर गांव के ही झाड़ियों के आसपास घूमते नजर आए, जिसकी वजह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल था। ग्रामीणों ने तत्काल घुरवारा चौकी इंचार्ज और वन विभाग की टीम को घटना से अवगत कराया। घटना की सूचना पर पहुंची वन विभाग और स्थानीय पुलिस ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सभी अजगरों का रेस्क्यू किया। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।